इंदौर के कोरोना संक्रमण के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी प्रशासन के लिए संसद में बनी हुई है। शुक्रवार को डीजीपी विवेक जौहरी ने इंदौर में क्वारंटाइन एरिया का दौरा किया और पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान खुद की पूर्ण सुरक्षा रखने की बात कही। जौहरी ने चारपट्टी बाखल रानीपुरा झंडा चौक और जूनी इंदौर इलाके का निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मियों को सुरक्षित रहते हुए सख्ती से तैनात रहने के निर्देश दिए। इंदौर में सरकारी अमले पर हमले के बाद सख्त कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर में संदिग्ध क्षेत्रों का डीजीपी विवेक जौहरी ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। यहां से डीजीपी जूनी इंदौर थाने पहुंचे और पुलिस कर्मियों को समझाइश देते हुए कहा कि जितनी ड्यूटी आवश्यक है उतना ही खुद को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करना है। संक्रमित क्षेत्र में ड्यूटी करते समय किट पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। इंदौर में एक बहुत कठिन लड़ाई चल रही है जिसमें पब्लिक खुद में शामिल है, पुलिस वालों की ड्यूटी और नगर निगम की ड्यूटी, हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनकी ड्यूटी, आप सब लोग खुद ही देख रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा है कि सबने बहुत मन लगा के काम किया है, बहुत मेहनत हुई है। इवन इसमें आप लोग भी शामिल हैं, आप लोग भी इस खतरे भरे माहौल में घूम रहे हैं और रिपोर्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये मुश्किल से हम लोग ज़रूर आगे निकल जाएंगे। फोर्स का मनोबल भी अच्छा है, पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं वो, उनके लिए भी वही व्यवस्था है जो आम जनता के लिए। पुलिस वाले कोई जनता से अलग नहीं है, जो मेडिकल प्रोटोकॉल एक किसी भी जनता के व्यक्ति के लिए लगता है वही पुलिस वालों के लिए भी लगता है, वही जूनी में भी फॉलो हुआ है, पूरी तैयारी उसकी की गई है और TI महोदय का स्वास्थ्य इम्प्रूव हो रहा है और मुझे विश्वास है वो बहुत जल्दी वापस ड्यूटी पे आपको दिखेंगे। वो आप देख ही रहे हैं, जहाँ पे ऐसा एरिया है उसमें सूट पहन रहे हैं लोग अंदर जाते समय, इसके अलावा मास्क और हैंड ग्लव्स और बार बार हाथों को साफ करते रहे हैं। यही एक बेसिक प्रिकॉशन है जो सब लोग ले रहे हैं, कुछ दवाइयाँ हैं वो ले रहे हैं और ड्यूटी कर। DGP ने कहा कि कठिन समय गुजर चुका है, अब थोड़ा समय ही बचा है। आम जनता से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन में लोग घरों में रहें। मेरी अपील यही है कि पूरे लॉकडाउन के नियमों का कस के पालन करिए, थोड़ा सा समय और बचा है, उसको भी यदि हम पक्का लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए निकाल लेंगे उतना ही हम बचेंगे। जिस एरिया में ये अभी नहीं फैला है वो तभी बचेगा जब लॉकडाउन का पालन करे, जहाँ फैल गया है वहाँ पर आइसोलेशन का पालन करे, तो इसमें कोई असंभव नहीं है, इसको आराम से हैंडल किया जा सकता है, यही मेरी अपील है। टाटपट्टी बाखल में स्वास्थ्य विभाग पर हुए हमले के मामले में बताया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, एक दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शीघ्र ही अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए उसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, जहाँ पे हुआ था विरोध वहीं पे आधे लोग तो बाद में बाहर आ गए थे ना कि सहयोग करना है और सबको उन्होंने शांत किया। पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर से वहाँ जा रही है, पूरा सहयोग है। ये एकाध घटना हो गई है जिसमें जो गलत तत्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, आगे मुझे लगता है ऐसे इंदौर की जनता से ऐसा कहीं कुछ इंसिडेंट नहीं आएगा, मुझे पूरा विश्वास है।